the new classes, next classes of the locomotion of the class 11. अब हुआ क्या है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी थिक फिलामेंट ब्रांड के बारे में बात करेंगे, थिक फिलामेंट बैंड उसके बारे में बात करेंगे। चलिए आपको लेके चलता हूँ, ये कुछ पिक्चर है, ये जो हम लोग पिक्चर है ये बाद में हम लोग देखेंगे, फिलहाल का जो हम देखेंगे वो है इस तरह का थियोरी को हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पिक्चर पे आएंगे, एक एक करके पिक्चर पे आएंगे। फिलहाल हम लोग बात करेंगे आपकी कुछ थियोरी का, सो लेट अस डिस्कस अबाउट दी थियोरी। आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, आवाज क्लियर है? व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है, ओके फाइन, व्हाइट बोर्ड शेयर नहीं किया, कोई बात नहीं, व्हाइट बोर्ड शेयर कर देता हूँ। यस, अब व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, क्लियर है पिक्चर? ओके, तो ये इस तरह से दिख रहा है। सो आज का टॉपिक है थिक फिलामेंट, क्या टॉपिक है? यस, थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट कौन सा बैंड है? थिक फिलामेंट कौन सा बैंड है? जल्दी जल्दी बोलो, ए बैंड, वेरी गुड। तो थिक फिलामेंट हो गया आपका ए बैंड। आप कौन आया, घंटी बजाया? चलो यशराज, हाँ, तो थिक फिलामेंट आया आपका ए बैंड का, थिक फिलामेंट, फाइन। अब थिक फिलामेंट इसमें है क्या, देखो दीज फिलामेंट कंटेन मायोसिन प्रोटीन, क्या प्रोटीन? मायोसिन प्रोटीन, सो देयरफोर दे आर कॉल्ड एज, देयरफोर दे आर, अब कौन आया, स्वयं, therefore they are called as what? दिमाग लगाओ, they are called as myosin filament, they are called as myosin filament, now what is this myosin filament? What is the myosin filament? So next question obviously है, what is this myosin filament? Myosin filament is a contractile protein. क्या protein है? Contractile protein. समझ में आया? मायोसिन फिलामेंट इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मायोसिन फिलामेंट है, तो मायोसिन फिलामेंट में हम लोग और बात कर सकते हैं कि हाउ दीज मायोसिन फिलामेंट एक्चुअली मेड अप ऑफ, मायोसिन फिलामेंट इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, मायोसिन फिलामेंट्स में क्या क्या स्ट्रक्चर है वो हम देख सकते हैं। नाउ ईच मॉलिक्यूल ऑफ मायोसिन फिलामेंट्स में दो चेन रहते हैं, ठीक है, दो टाइप की चेन रहते हैं, दो टाइप की चेन रहते हैं।
So each myosin molecule has two types of chains. पहला जो चेन है ये है, इसको कहते हैं हेवी चेन, टू नंबर्स, दो नंबर, टू नंबर्स ऑफ हेवी चेन। और फोर नंबर्स ऑफ लाइट चेन, फोर नंबर्स ऑफ लाइट चेन। तो इसमें दो टाइप की चेन है, एक हेवी चेन और एक है लाइट चेन। ये दो टाइप की चेन इसमें प्रेजेंट है। नाउ ईच एंड ऑफ द, ठीक है, ईच एंड ऑफ द चेन इज मेक अ ग्लोब्यूल। ग्लोब्यूल समझते हो? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्लोब्यूल कॉल्ड? ईच, सॉरी, एंड ऑफ चेन फॉर्म्स अ ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर। ग्लोब्यूल का मतलब टोटली, आई मीन ग्लोब शेप भी नहीं है, यानी कि राउंड भी नहीं है और ओवल भी नहीं है, लेकिन एक स्वोलन टाइप का स्ट्रक्चर है। एक स्वोलन टाइप का स्ट्रक्चर आप कह सकते हो इसको, ग्लोब्यूल टाइप का स्ट्रक्चर इस पे है। डू यू अंडरस्टैंड? एक ग्लोब्यूल टाइप का स्ट्रक्चर इसमें है। नाउ दिस ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर में अगर हम बात करेंगे, ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर में, दिस ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर को कहते हैं मायोसिन हेड। दिस ग्लोब्यूल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मायोसिन हेड, कहते हैं इसको। कैसे दिखने में लगेगा? ये इस तरह का है, ये ग्लोब्यूल टाइप का स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर जो है इसको कहते हैं मायोसिन हेड। ठीक है, ये मायोसिन हेड है। नाउ इन स्ट्रक्चर में, इन स्ट्रक्चर के साथ कुछ और भी प्रोटीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा इस हेड का काम भी क्या है? अच्छा वो तो प्रोटीन क्या है वो तो बाद में आएंगे बताएंगे, लेकिन इसके साथ ये जो मायोसिन हेड है, दिस मायोसिन हेड, आसान आसान से पढ़ेंगे, मायोसिन हेड इज अ फंक्शन एज हुक। द एक्टिन, दिस मायोसिन हेड इज अ फंक्शन एज अ हुक विद द एक्टिन प्रोटीन। लाइट बैंड में एक्टिन होता है, ये एक्टिन कहां से आया? वो लाइट बैंड में एक्टिन होते हैं। ओके,
इसके साथ साथ दिस हेड इज ऑल्सो वर्क एज व्हाट एटीपेज एंजाइम एटीपेज एक्चुअली ये इसको इस तरह से लिखते हैं एटीपेज ये एक टाइप का एंजाइम है जो कि एटीपी प्रोडक्शन करते हैं एक टाइप का एंजाइम है दिस इज अ टाइप ऑफ एंजाइम दैट प्रोड्यूसेस एटीपी ये एटीपी प्रोड्यूस करते हैं सो वर्क्स एज अ एटीपेज यानी कि ये एटीपी प्रोडक्शन करते हैं बट There is a question. Question from the NEET. ATPase is only functional with presence of magnesium ion ये नीट जिपमार का टॉपिक है जनरली जो बोर्ड दे रहे उसके लिए जरूरी नहीं है लेकिन जानना अब जानकारी होना कोई बुरी बात तो है नहीं नॉलेज इज द पावर सो ये हो गया आपका कुछ हद तक ए बैंड का और मायोसिन का डिस्क्रिप्शन अब आएंगे हम लोग एक्टिन पे आएंगे अब हम लोग एक्टिन पे आएंगे यानी कि लाइट बैंड पे आएंगे इसके पहले कि मैं लाइट बैंड पे आऊं लेट अस लुक एट दी सम पिक्चर ऑफ द मायोसिन सो दैट आपके पास एक क्लियर पिक्चर हो जाएगा कि मायोसिन दिखते कैसे हैं नाउ दिस इज दी मैं आगे पिक्चर को नहीं ले जाऊंगा ये आपकी मायोसिन है ठीक है ये एक इमेज नेट से मैंने लिया है सिग्मा एल्ड्रिच का एक पिक्चर है ये कहने का मतलब है लेकिन ये एक मायोसिन का स्ट्रक्चर है आप इसको इस तरह से देख सकते हो ये दोनों तरफ ये स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे ये आपकी मायोसिन है और ये आपकी मायोसिन की स्ट्रक्चर है ठीक है ये पूरी की पूरी आपकी मायोसिन फाइबर्स है राइट ये मायोसिन फाइबर्स है जैसे मैंने बताया था कि दो टाइप की इसमें चेन होते हैं एक हेवी चेन एक लाइटर चेन होते हैं तो इस टाइप की एक चेन होगा और ये इसकी हेड होगा ये सारे ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होगा ये हेड टाइप का होगा ये क्या करते हैं ये एक्चुअली एक्टिन पे हुकिंग करते हैं एक्टिन पे हुक करते हैं मैं थोड़ा सा आगे कैसे हुक करते हैं वो भी पिक्चर मैं आपको दिखाता हूं ये है आपकी हुक इसमें आपको कोई भी दूसरे स्ट्रक्चर पे ध्यान न दो सिर्फ आप क्या क्या देखो आप देखो ये एक्टिन फिलामेंट्स है ये सारे है एक्टिन फिलामेंट्स और देखो ये जो हेड है ये किस तरह से एक्टिन फिलामेंट्स को हुक कर रहा है ये किस तरह से एक्टिन फिलामेंट्स को हुक कर रहा है ये आप एक बार देखो गौर से देखो एक बार समझ में आया तो इस टाइप की ये हुक करते हैं एक्टिन फिलामेंट को मसल मूवमेंट्स के लिए इस टाइप की हुकिंग होना बहुत जरूरी है ये है आपकी लाइट बैंड्स ए आई बैंड्स ये आई बैंड्स है और ये है आपकी डार्क बैंड ए बैंड है एक बार और बता देता हूं आई बैंड में जो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं रिफ्रैक्शन लाइट रिफ्रैक्ट करते हैं वो इन द सेम एंगल और डार्क बैंड में जो लाइट रिफ्रैक्ट करते हैं वो इन डिफरेंट एंगल इसको एनिसो कहते हैं क्या कहते हैं क्या कहते हैं एनिसो क्या कहते हैं बोलो तो एनिसो क्या कहते हैं एनिसोट्रॉपिक ठीक है और आई बैंड को क्या कहते हैं आइसोट्रॉपिक ठीक है एक है एनिसोट्रॉपिक ए फॉर एनिसोट्रॉपिक एंड आई फॉर आइसोट्रॉपिक तो ये दो टाइप की है तो इस तरह का हमने एक स्ट्रक्चर हमने देखा अब हम लोग आगे चलेंगे और आगे आई बैंड के बारे में पढ़ेंगे
ठीक है, आई बैंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नाउ वी आर कमिंग टू दी मायोसिन हेड हो गया, हुक हो गया, ठीक है, एटीपेज हो गया, फंक्शनल ये हो गया। नाउ वी आर कमिंग टू दी, वेयर वी आर कमिंग, वी आर कमिंग टू दी आई बैंड और एक्टिन पार्ट में हम लोग कहेंगे थिन फिलामेंट, रादर देन वी विल टॉक अबाउट दिस थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट। व्हाट इज दिस थिन फिलामेंट? दिस इज द एक्टिन मॉलिक्यूल, एक्टिन मॉलिक्यूल कंटेनिंग एक्टिन प्रोटीन, एक्टिन मॉलिक्यूल कंटेनिंग द एक्टिन प्रोटीन इज द मेन कंस्टिट्यूट्स ऑफ द थिन फिलामेंट, इज मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ थिन फिलामेंट। मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द थिन फिलामेंट। नाउ दे दीज थिन फिलामेंट कंटेन्स सम रेगुलेटरी प्रोटीन्स ऑन इट, दीज फिलामेंट, ठीक है। सो हम लोग लिखेंगे दीज these filaments contain some regulatory protein, these filaments contain some regulatory proteins over it, they are called as tropomyosin, tropomyosin and troponin, they are called as tropomyosin and troponin. So these two type of regulatory proteins are present on the actin filaments. इसके साथ अब ट्रोपोमाइसिन ट्रोपोनिन क्या है, ट्रोपोमाइसिन ट्रोपोनिन क्या है, ये इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे, लेकिन कुछ और भी हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे इस फिलामेंट में थिन फिलामेंट्स आर प्रेजेंट इन बोथ ए बैंड एंड आई बैंड। थिन फिलामेंट देखो ए बैंड में भी, ए बैंड में भी आपका लाइटर जोन है, आपने मैंने वो बताया आपको कि ए बैंड में भी लाइटर जोन है यानी कि थिन फिलामेंट प्रेजेंट है और आई बैंड में तो प्रेजेंट है ही, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, है क्या कंफ्यूजन की? सो थिन, हाँ थिन फिलामेंट इज प्रेजेंट इन बोथ आई बैंड एंड ए बैंड, ऑब्वियसली क्वेश्चन फ्रॉम द नीट लेवल, यहां से ऑप्शन वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं,
पहले तो ट्रू फॉल्स टाइप की देते थे, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब इसको ऑप्शन वाइज देते हैं कि आई बैंड ऑन ए बैंड इज वेदर इट इज प्रेजेंट, आई मीन थिन फिलामेंट में आई बैंड है, आई बैंड एंड ए बैंड है, ये इस टाइप की घुमा के क्वेश्चन वो दे सकते हैं। लेकिन आप क्लियर हो जाओ, ए बैंड यानी कि डार्क बैंड में आपकी थिक फिलामेंट भी है और थिन फिलामेंट भी है। थिन फिलामेंट का ए बैंड का जो रीजन है उसको हम लोग कहेंगे एच जोन, क्लियर, एच जोन, लास्ट वीडियो वाला देख लो ना। और आई बैंड में तो थिन फिलामेंट है ही, सो क्वेश्चन ही नहीं है, सो दिस इज दिस। नाउ इसके साथ साथ ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन बात कर रहा हूं, रेगुलेटरी प्रोटीन को छोड़ के भी एक्टिन में एक टाइप की प्रोटीन होते हैं, उसको कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन। मैं एक बार और रिपीट करूंगा लेकिन फिर एक बार देख लेता हूं। थिन फिलामेंट में, क्या मैंने बता रहा था, इन थिन फिलामेंट, इन एक बार और बताता हूं, इन थिन फिलामेंट देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट। वो प्रोटीन क्या है? सबसे पहले बात करेंगे रेगुलेटरी प्रोटीन, रेगुलेटरी प्रोटीन, और दूसरा क्या है, रेगुलेटरी प्रोटीन छोड़ के दूसरा है फाइब्रस प्रोटीन। क्या प्रोटीन है? फाइब्रस प्रोटीन। अब हम लोग बताएंगे कि रेगुलेटरी प्रोटीन में क्या है और फाइब्रस प्रोटीन में क्या मौजूद है। रेगुलेटरी प्रोटीन में मौजूद है क्या मौजूद है बोलो तो, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपो मायोसिन, और क्या मौजूद है, ट्रोपोनिन, क्या मौजूद है, नीन, ठीक है। बार बार बोलने से शॉर्ट टर्म मेमोरी कन्वर्टेड टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, तो ये हो गया रेगुलेटरी प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन भी इसी तरह का, दो टाइप की फाइब्रस प्रोटीन है, वन इट इज कॉल्ड एज ग्लोब्यूलर एक्टिन, ग्लोब्यूलर एक्टिन, ये तो एक्टिन की बात हो रही है, थिन फिलामेंट मतलब एक्टिन प्रोटीन, ठीक है, एक्टिन। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जी एक्टिन के नाम से जाना जाता है, जी एक्टिन। और दूसरी इसको कहते हैं फाइब्रस एक्टिन, इसको क्या कहते हैं, फाइब्रस एक्टिन, फाइब्रस एक्टिन, जी एक्टिन एंड एफ एक्टिन के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? जी एक्टिन एंड एफ एक्टिन। आगे इसकी स्ट्रक्चर की हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन हम इतना जानेंगे, एक सिर्फ नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम सिर्फ इतना हम लोग जानेंगे कि दिस फाइब्रस एक्टिन इन्वॉल्व इन मसल कंट्रैक्शन, फाइब्रस एक्टिन इन्वॉल्व इन द मसल कंट्रैक्शन, जबकि ग्लोब्यूला जो है वो तो एक हेड जैसा है, ग्लोब्यूल जैसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, ग्लोब्यूलर एक्टिन। अब मैं अगर आपको इसकी एक स्ट्रक्चर, जबकि ये ओरिजिनल नहीं है लेकिन फिर भी समझाने के लिए काफी है,
इस टाइप की अगर मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, ये ग्लोब्यूलर जो एक्टिन प्रोटीन है ये इस टाइप की एक्टिन प्रोटीन है, और फाइब्रस एक्टिन प्रोटीन जो है एफ एक्टिन है वो इस टाइप की है। ये इस टाइप की है, फाइब्रस एक्टिन इस टाइप की दिखते हैं और ग्लोब्यूलर एक्टिन जो है इस टाइप की दिखते हैं, ठीक है। ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन ये कुछ एग है हमारे पास, पिक्चर है वो हम बात करेंगे आपसे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज दिस ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन, ये है क्या, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग दो तीन लाइन की चर्चा करेंगे। सबसे पहले ट्रोपोमाइसिन की बात करते हैं, और मायोसिन, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है ट्रोपोमायोसिन, इट नॉट ट्रोपोमाइसिन, इट इज ट्रोपोमायोसिन। नाउ ट्रोपोमायोसिन क्या है, इट इज अ फाइब्रस प्रोटीन, इट इज अ फाइब्रस प्रोटीन, जैसे दूसरे एफ प्रोटीन जैसा ही है, एक फाइब्रस प्रोटीन है, थोड़ा सा रॉड शेप का हो सकता है, आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो, रॉड शेप का ये थोड़ा सा है, ठीक है। ये एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं, इट डबल हेलिकल इट फॉर्म्स आर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है ये एफ एक्टिन के ऊपर कॉइल किया हुआ है, इट इज कॉइल अराउंड, इट इज कॉइल्ड अराउंड एफ एक्टिन, ठीक है। सो ये एक सिंपल सा मैंने आपको बताया ट्रोपोमायोसिन के बारे में, लेकिन ट्रोपोमायोसिन में दो तीन चीज तो जान लेना अच्छी बात है, क्योंकि इसमें बाद में आपकी कंफ्यूजन ना हो। सो देयर आर अबाउट 40 टू 60 नंबर ऑफ ट्रोपोमायोसिन मॉलिक्यूल्स, देयर आर अबाउट 40 टू 60 numbers of tropomyosin molecules. Now tropomyosin molecules, ये जो tropomyosin molecules है ये F actin को करते हैं when it is in the relaxed condition. So आप ये लिखने वाली बात नहीं, ये जो समझने वाली बात है, ये इट इज इन द रिलैक्स कंडीशन रखते हैं मसल को। द नेक्स्ट आते हैं ट्रोपोनिन के बारे में, अब आते हैं ट्रोपोनिन,
चलिए ट्रोपोनिन के बारे में बात करें। Troponin is a globular protein ठीक है, ग्लोब्यूलर आप समझ सकते हो, हेड लाइक इसका स्ट्रक्चर होगा। इट एक्चुअली कवर्स द एक्टिव साइट ऑफ द ट्रोपोमाइसिन। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन आते हैं, ट्रोपोनिन इज हैज अ वेरी हाई एफिनिटी विद द कैल्शियम, इट हैज हाई एफिनिटी विद कैल्शियम। Now, when calcium binds with the troponin, the active site of the filament, I mean this tropomyosin, okay, the active sites of the actin is what? Tropomyosin. Then the tropomyosin becomes the exposed. Ek bar aur samjho. When the calcium ion binds with the what? Binds with the troponin. So we will say when the calcium ion binds with the troponin, the active site of the tropomyosin or actin filament is exposed. When calcium ion binds with troponin, the active site of actin or tropomyosin is exposed.